मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से बॉलीवुड से लेकर सो कॉल्ड समाजसेवी और पत्रकार तक बट गए हैं। एक वर्ग जहां मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन करता नजर आता है तो वहीं दूसरा वर्ग मोदी सरकार के फैसले का विरोध करता रहता है। इसी वजह से मीडिया के कुछ प्राइम टाइम वाले पत्रकारों ने तो गोदी पत्रकार और गोदी सेठ जैसे शब्द तक गढ़ दिए हैं। इन सब के बीच मोदी सरकार में गृह मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह ने पत्रकार और एक्टिविस्ट के बीच ऐसा अंतर समझाया जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से तहलका मचा रहा है। दरअसल बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से आयोजित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस नाम के एक अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने पत्रकार और एक्टिविस्ट के बीच अंतर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया। एक बयान में उन्होंने कहा, शासन किसी का भी हो, अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। विचारधारा सरकार की कोई भी हो, परिणाम जो भी आए, उसको स्वीकार करने का खुलापन नहीं है तो हम पत्रकारिता का काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट पत्रकार नहीं हो सकता और पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। दोनों अलग धर्म हैं, दोनों अलग काम हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का काम करने लगेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा, आजकल बहुत दिखाई पड़ता है। इसी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना करने वालों को भी आड़े हाथों लेते हुए अपने बयान में कहा, केंद्र सरकार के कुछ फैसले कड़े नजर आते होंगे लेकिन वह लोगों की भलाई के लिए हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में बड़े बदलाव हुए। पहले नीतियां वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनती थी। मोदी सरकार ने कभी भी लोगों को खुश करने के लिए नीतियां नहीं बनाई बल्कि लोगों की भलाई के लिए बनाई। पत्रकार और एक्टिविस्ट के बीच अंतर बताने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक और दिग्गज पत्रकार रहे रामनाथ गोयनका की भी जमकर तारीफ की और अपने बयान में कहा, व्यापार और पत्रकारिता को एक दूसरे से दूर रखने का पहला प्रयास गोयनका जी द्वारा किया गया था, इसीलिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जो देश हित में नहीं था उसे उजागर करने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया और बिना किसी भय, वैचारिक पूर्वाग्रह और कटुता के साथ उन्होंने ऐसा किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने जहां मोदी सरकार के काम की तारीफ की तो वहीं पत्रकार और एक्टिविस्ट के बीच अंतर भी समझा दिया। हालांकि इस बयान के दौरान उन्होंने किसी भी पत्रकार या एक्टिविस्ट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा मोदी विरोधी माने जाने वाले पत्रकार रवीश कुमार की ओर था, जिन्हें हाल ही में NDTV न्यूज चैनल से इस्तीफा देना पड़ा था और अपने इस्तीफे की वजह उन्होंने कहीं ना कहीं दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी को बताने की कोशिश की थी, जिन्होंने NDTV में शेयर खरीदा था। हालांकि गौतम अडानी की ओर से इस्तीफा देने के लिए रवीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद आजकल अपना YouTube चैनल चला रहे रवीश कुमार के इस्तीफे की वजह कहीं ना कहीं गौतम अडानी को बताया जा रहा। यही वजह है कि रवीश कुमार के इस्तीफे के बीच आए अमित शाह के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।